हेलो एवरीवन, हम लोग आज न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मौसम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मौसम क्या कहता है। पहले ये देख ले, फिर हम लोग समझते हैं। तो दो समझ चुके हैं तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत अच्छे समझना। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट When one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. अब इस बात समझो, आप बोल रहा है मान लो कि ये वॉल है, मान लो ये वॉल और यहां पर कोई पर्सन खड़ा है और इसको ऐसे पुश कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये पर्सन, सपोज करो कि यहां पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये वॉल पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये वॉल इस इंसान पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात और यहां क्या निकल के आया, These force act on different objects and never on the same object. यहां देखो, ये person wall पर force लगाया, this is wall. ये 5 न्यूटन का wall पर force लगाया, तो wall दूसरे object पर लगा रहा है। किस पर लगा रहा है? ये person पर। ये जो person है, उस पर 5 न्यूटन का force लगा रहा है। और ये इस direction में, opposite direction। यानी 5 न्यूटन ये wall पर लगाया, तो wall इस पर भी 5 न्यूटन का इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाया गया बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन इक्वल, देखो तो एक्शन हुआ इक्वल हुआ, 5 न्यूटन ये लगा तो 5 न्यूटन इसमें भी अपोजिट एंड अपोजिट डायरेक्शन लगाया, देखो ऐसे लगाया। तो इस तरीके से भी हम लोग बोलते हैं रिएक्ट किया। अब हम लोग देखेंगे यूसेज ऑफ न्यूटन थर्ड, क्या यूसेज है, क्योंकि बार बार मैं इस बात को फोकस करता हूं कि जब आप पढ़ते हो तो अपने अपने रियल लाइफ से भी कनेक्ट करने का कोशिश करो, आखिर इसका कनेक्शन कहां है। अब देखो, आप सपोज करो कि ये एक फ्लोर है, एक फ्लोर है, सरफेस है और इस पर आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब मूव करते हो इस डायरेक्शन में तो कैसे मूव करते हो, आप सोचो, आप वॉक कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या आता होगा, अच्छा आपने कुछ ताकत लगाया, कुछ अंदर का जो पावर है बॉडी का वो लगाया, तो कहां लगाया। तो बहुत जब बारीकी से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप फ्लोर को धक्का दे रहे हो, आप फ्लोर को कुछ इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, या जिस भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैं एक रफली बता रहा हूं कि इस डायरेक्शन में आपने पुश किया, तो फ्लोर भी आपको न्यूटन्स लॉ यहां अप्लाई करता है। क्या करता है कि आप जिस फोर्स से अप्लाई किए फर्श को, फ्लोर को आपने जिस फोर्स से पुश किया है उसी अमाउंट से आपको भी ये पुश करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने लगाया फोर्स फ्लोर पर और फ्लोर ने लगाया आप पर फोर्स। इस तरीके से जब आप पर फोर्स लगता है तो आपका बॉडी आगे की तरफ मूव करने लगता है। तो जो वॉकिंग ऑन रोड, रोड पर जो वॉक करते हो ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप रोड पर फोर्स लगाते हो वही अमाउंट, दैट द सेम मैग्निट्यूड आप पर वो लगाते हैं, अपोजिट लगाता है डायरेक्शन। तो यहां दोनों बात हो गई, मैग्नीट्यूड सेम है, सेम फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है और सेम बॉडी पर नहीं लग रहा है। आप नोटिस करो, आप लगाया फ्लोर पर, फ्लोर लगाया आप पर। सो एक यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दीज फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव अ डिफरेंट मास। तो फोर्स तो लगा यहां पर, देखो यहां फोर्स लगा एफ और ये आप पर ही लगाया फोर्स, तो मास आपका एम है,
और इसका तो बहुत बड़ा मास है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, तो फोर्स इक्वल है लेकिन मास डिफरेंट हो गया, मास डिफरेंट हो गया तो एक्सीलरेशन भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स अपॉन मास इज एक्सीलरेशन, फोर्स अपॉन मास इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी, ठीक है। इसी बात को यहां बोला गया कि प्रोड्यूस एक्सीलरेशन मे नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दिस इज बिकॉज क्या है, इच फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास, ओके।